हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का, ये फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। अब ये क्या है, राजनीतिक इतिहास कब से लेकर कब तक है? तो आप कहेंगे 1526 से लेकर 1740 तक की जो भी घटनाएं घटी हैं इस हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट पेपर में सब कुछ मेंशन किया गया है। मैं आपसे वादा करता हूं आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% लाएंगे, 85% आपको यहां से देखने को मिलेंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। मैं यहाँ इंपोर्टेंट की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ आने वाले हैं बेटा, आने वाले क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इतना याद रख लेना। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी से हैं या फिर बिहार के यूनिवर्सिटी से हैं, सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आपको 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चनों को पढ़ लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि 70% वहीं से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपका हर परिस्थिति में साथ दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? कोई भी समस्या आती है तो आप देख सकते हैं। और सभी छात्रों से कहना चाहूंगा इसका आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स की पीडीएफ हम आपको देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हमने एप्लीकेशन भी बना रखी है, एप्लीकेशन जो हमारी प्ले स्टोर पर पब्लिश है, याद रखिए प्ले स्टोर पर पब्लिश है, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उस नोट्स के थ्रू आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिस छात्र का एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 2022 के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। पहले क्वेश्चन की यहां बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास क्या होता है। मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे और ऐतिहासिक एम, देखो इसमें मध्यकालीन जो इतिहास है उसके अंदर ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों के बारे में दे रखा है, उसकी विशेषता अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि मध्यकालीन इतिहास क्या है। उसमें ऐतिहासिक और साहित्य का ग्रंथों के बारे में दे रखा है, उसकी विशेषता क्या रही है ये हमें याद करना है। उसके बाद में राजपूत के पतन के बारे में आपको बताना है, जिसे हम पराजय, पतन को क्या बोलते हैं बेटा, पराजय बोलते हैं, हार बोलते हैं। उसका कारण क्या था, राजपूत क्यों हार गए थे मध्यकालीन में आपको बताना है, उसके पतन के कारण क्या थे। और दिल्ली जो सल्तनत के पतन का कारण क्या था, दिल्ली सल्तनत का, जब जो दिल्ली में थे उसमें दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण, हारने का कारण क्या था, पराजय होने का कारण क्या था। बाबर की विजय के बारे में आपको बता देना है, पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों के बारे में बता देना है। ये 1526 में, 1556 में, 1761 में, ये सभी आपको याद होना चाहिए कौन सा युद्ध कब हुआ था, बहुत जरूरी है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगा लो बेटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना नोट्स की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हम। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये हो गया। उसके बाद में कह रहा है खानवा का युद्ध क्या हुआ, यदि बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद में है हुमायूं, जो हुमायूं था, हुमायूं की कठिनाइयां क्या थी, मतलब की समस्याएं क्या क्या थी हुमायूं की, और हुमायूं की चरित्र के बारे में, उनके मूल्यांकन के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर, अकबर की धार्मिक नीति कौन कौन सी थी। तो आपको पता है दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था, और राज कहते हैं राजपूत जो नीति थी उसका परिमाण क्या रहा था, ये हमें याद करना है। ये सारे हम आपको करा देंगे, वीडियो के थ्रू करा देंगे बेटा, ये सारे वीडियो के थ्रू करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स में भी इसके बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स दे रखे हैं हमने, आप उसको देख लेना, डाउनलोड कर लेना। यहाँ है जहांगीर के चरित्र के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको वर्णन कर देना है कि भाई जहांगीर के चरित्र कैसा था, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है, वो हमें याद कर लेना है। टिक लगा लो अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये 2022 में आने वाले हैं बेटा। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाहजहां का शासनकाल के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको देख लेना है। औरंगजेब की धार्मिक नीति कौन कौन सी थी, उसका क्या परिमाण निकला, जब औरंगजेब आए उसमें शिवाजी का परिचय हुआ और सफलताएं उनको बता देना है, शिवाजी की परिचय के बारे में, उनकी क्या सफलताएं रही हैं, शिवाजी युद्ध एवं
जो प्रशासन का जो अद्भुत मिश्रण थे उनके बारे में उस कथन का विवेचना करनी है। ये एक कथन दिया गया था कि शिवाजी योद्धा एवं प्रशासन का अद्भुत मिश्र है या मिश्र थे, तो आपको इस कथन का उल्लेख करना है और उसकी विवेचना करनी है, उसके बारे में क्या सिस्टम था ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखो ध्यान से, यहां है मुगल, जो मुगल वंश के थे, और यहां बोला है मुगलों के पतन का कारण क्या था, मुगल का पराजय, मुगल जो मुगल थे उनको पराजय होने का क्या कारण था, और मुगल कालीन शासन की व्यवस्था के बारे में आपको याद कर लेना है, और शेरशाह सूरी का परिचय देखना है। बस इतना क्वेश्चन कह रहा हूं, ये लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होंगे। अब इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। एग्जाम से दो दिन पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, मैं पहले बोल चुका हूं। उसके बाद में हिस्ट्री के हम सेकंड पेपर को हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई भी वीडियो वंचित नहीं रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें गुजरना पड़े, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।